हे गाइस, गुड मॉर्निंग। देखो सुबह हो गई है और आज है संडे और थोड़ा लेट जगे हैं क्योंकि कल रात को हम लेट हो गए थे ना, मेला देख के जब आए थे तो खाना पीना भी लेट ही हुआ था, फिर लेट सोए थे तो इसलिए आज हम सुबह लेट जगे हैं। खैर एनीवेज, अभी मैं हो गया हूँ रेडी। रेडी क्या, अभी मैं जा रहा हूँ कटिंग कराने के लिए, थोड़ा बाल बाल सेट करवाऊँगा और दाढ़ी क्लीन करवाऊँगा क्योंकि आज का ब्लॉग होने वाला है काफ़ी स्पेशल। तो आज का ब्लॉग पूरा देखना। आज मैं जाऊँगा कहीं बाहर, फिर मैं वहाँ ब्लॉग शूट करूँगा, फिर आप लोग देखना और बताना कि कैसा रहा। एक्चुअली ये ब्लॉग किसी के डिमांड पे बना रहा हूँ आज मैं, किसी क्या मतलब आप लोगों की डिमांड पे और किसी की स्पेशल रिक्वेस्ट पे बना रहा हूँ। तो कंप्लीट देखना ब्लॉग है ना, पूरा देखना, मज़ा आएगा। चलो फिर मैं शेविंग करा के आता हूँ, फिर मिलते हैं। अरे सर, यहाँ कहाँ, सेक्टर 19 में क्या कर रहे हो? भाई आपको पता तो है यार, हम लोग खाने पीने के शौकीन हैं, आज संडे है तो मैं ऐसे ही थोड़ा सा सर्च कर रहा था तो मुझे पता चला सेक्टर 19 में वर्धमान जो मॉल है ना, टाउन प्लाजा है ना, हाँ तो यहाँ पे एक हमारा पुराना यार है तो उसका एक रेस्टोरेंट में पहले भी आया हूँ। अच्छा, लेकिन आज मैं स्पेशली आया हूँ, कुछ है प्लान, मैं आगे बताऊंगा आपको। चलिए फिर चलते हैं, डिस्कवर करते हैं। चलो आप मिल गए हो तो फिर दोनों एक साथ चलते हैं। ठीक है, आ जाओ। तो आओ चलो, मैं फिर दिखाता हूँ हम कहाँ जा रहे हैं। सो गाइस, मॉल में आने के दो रास्ते हैं, एक तो हम आए हैं बिहार सदन वाले रास्ते से और यहाँ से एंट्री की हमने। बस हम पहुंचने वाले हैं, गाड़ी हमने पहले ही पार्क कर दी थी। अब आपको पता चल गया होगा कि हम आज कहाँ आए हैं। देखो नाम देख के पता चल गया हो, शिकार, शिकार हंट द फूड। तो जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग यार खाने के शौकीन हैं तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम देखते रहते हैं कि हमारा आज वीकेंड हमें कहाँ स्पेंड करना है। तो आज संडे है तो आज हम पहुँच गए हैं शिकार पे। गाइस सबसे पहले तो मैं क्लियर करना चाहूँगा, कुछ लोगों के दिमाग में ना एक थोड़ा सा माइंड सेट हो रखा है कि शिकार का मतलब कुछ और होता है, लेकिन हम जिस रेस्टोरेंट में पहुँचे हैं शिकार, उसका मतलब कुछ और नहीं है। शिकार का मतलब है सिर्फ़ और सिर्फ चिकन और मटन, चिकन मटन है ना, यहाँ पे चिकन और मटन का ही मीट मिलता है। सो गाइस आज हम टेस्ट करके दिखाएंगे यहाँ के कुछ डिशेस। पहले भी हम आ चुके हैं लेकिन जब हम पहले आए थे, मेरे ख्याल से 6-7 महीना हो गया है, उस टाइम ही रेस्टोरेंट नया नया खुला खुला था। ठीक है, तो अभी वो शुरुआत थी लेकिन अब हम पहुंच गए हैं ऐसे टाइम पे जब ये रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा चल रहा है। मतलब आप मानोगे नहीं, जोमेटो और स्विगी से भी 5 किलोमीटर तक ये लोग डिलीवरी कर रहे हैं। तो चलो फिर हम चेक करते हैं। और इन्होंने अपने मेन्यूज़ भी बढ़ा दिए हैं, डिशेज़ भी काफ़ी बढ़ा दिए हैं, पहले भी टेस्ट बहुत अच्छा था, टेस्ट से इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ आज भी नहीं किया है। जैसा टेस्ट पहले था आज भी वही मेंटेन किया हुआ है इन्होंने, क्वालिटी भी एकदम बढ़िया है। चलो आगे मैं इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ कि आप यहाँ तक कितनी ईजिली पहुँच सकते हो, कैसे पहुँच सकते हो। एक ऑप्शन मैंने आपको बताया, बिहार सदन की तरफ से भी आ सकते हो। दूसरा ऑप्शन है आपका ये, यहाँ पे आप देखोगे वुडलैंड अम्यूज़मेंट पार्क है सेक्टर 19 का, जो टी पॉइंट से बिल्कुल फ्रंट में है। चलो अब आगे बढ़ते हैं और देखो यहाँ पे जब इनका आप डिस्प्ले देखोगे, जो बैनर लगा है इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है वी सर्व ओनली चिकन एंड मटन। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपको चिकन और मटन के अलावा खाने में कुछ और नहीं दिया जाएगा। चलो बाकी चेक करते हैं इनकी डिशेस। अब तो बढ़ा दिया, चिकन के आइटम बहुत सारे हो गए, तंदूरी भी कर दिया ना, बहुत छोटा सा है ना, ऐसे तुम डालते हो ना इंस्टाग्राम पे, से होम डिलीवरी करा सकते हो, जोमेटो और स्विगी पे अवेलेबल। सो गाइज अभी हम रेस्टोरेंट के अंदर आ चुके हैं, मैं आपको दिखाऊंगा वन बाय वन इनकी डिशेस। अभी तैयार हो रहा है सीख कबाब, ये है चिकन कबाब, साइज देखो गाइज, ये पूरा एक सीख कबाब है और आई थिंक एक में 8 चार 12
12 पीसेस हैं गाइस। नॉर्मली गाइस जैसे मैंने कबाब खाए हुए हैं, क्या करते हैं, सीख से निकाला कबाब को, काट दिया, थोड़ा सा मसाला इसको ऊपर डाल दिया और दे देते हैं। लेकिन ये देखो इनको, इन्होंने काटने के बाद मसालों में मिक्स किया, इसमें चाट मसाला है शायद, उसमें मिक्स कर रहे हैं, नींबू निचोड़ा है। ये चाट मसाला ये इनका, प्याज धनिया वगैरह देखो डाल के इन्होंने पूरा बढ़िया से गार्निशिंग कर दी है। आई थिंक बटर भी डाला होगा, राइट। अब देखो इसका लुक, देखो देख के ही मुंह में पानी आ रहा है। सो ये आपका एक सीख रोल, एक सीख कबाब पूरा रेडी हो गया है। ये मेरे ख्याल से ऑर्डर आया हुआ है, उसके लिए तैयार किया इन्होंने। सो गाइस आगे चेक करते हैं कि अंदर और क्या पक रहा है। सो गाइज इन्होंने अभी मेरे सामने सरसों का तेल डाला है, जो कोलू बैल ब्रांड का तेल है, काफ़ी अच्छा तेल माना जाता है, ये ब्रांड काफ़ी फेमस है। और ये बगल वाले भगोने में मटन तैयार हो रहा है। मैंने इनसे बात की थी कि मटन और चिकन बनने में कितना टाइम लग जाता है, तो उन्होंने बताया कि मटन को बनने में कम से कम 4 घंटे लग जाते हैं, मतलब पूरा टाइम मिला के 4-4.5 घंटे इसमें लग जाता है। लेकिन वहीं हम चिकन की बात करें तो चिकन 1-1.5 घंटे में बन जाता है। 4 घंटे इसलिए लगता है गाइस क्योंकि यहाँ पे स्पेशल तरीके से बनाया जाता है। घरों में हम नॉर्मली 1.5-2 घंटे में बना लेते हैं क्योंकि हम कुकर में बनाते हैं, सीटी लगा देते हैं। यहाँ पे सीटी नहीं लगाया जाता गाइस, क्योंकि टेस्ट उसी से आएगा। अगर आप सीटी लगा के बनाओगे तो वो टेस्ट आएगा ही नहीं। और इनका कहना है कि मटन जब बनाते हैं तो उसमें दम लगाते हैं, दम लगाने में, दम एक तरह का तड़का होता है, एक तरह का छौंका होता है, उसको लगाने से ऑटोमेटिकली फ्लेवर बढ़ जाता है, टेस्ट बढ़ जाता है। बाकी ये मसाले तैयार हो गए हैं, गरम मसाले ये तेल में डाल रहे हैं, तेल गरम हो गया है काफ़ी अच्छे से, देख लो आप, काफ़ी बढ़िया से तेल गरम हो गया है। अब उसमें उन्होंने गरम मसाले डाल दिए हैं। अभी चिकन आप देखो गाइस, ये फ्रेश चिकन है और इसको ये मैरिनेट करते हैं, उसमें मसाले डालते हैं। ये मसाला हो गया और इन्होंने ये दही का मसाला तैयार कर रखा है, सारे मसाले इसमें मिक्स हैं। हाँ, इन्होंने एक चीज़ बताया है कि कलर नहीं डालते हैं इसमें, कोई भी कलर नहीं है, ये सारे मसाले का नेचुरल कलर होता है। ये दही का मसाला इन्होंने मिक्स करके बनाया है, सब कुछ इसी के अंदर है। अब इसके साथ इसको मैरिनेट करके रख देंगे। इनका कहना है कि 15-20 मिनट के लिए मैरिनेट करके हम रखते हैं ताकि मसालों का इसके अंदर असर आ जाए। बाकी ये देखो, ये ताज़े मसाले हैं, डेली के डेली तैयार किए जाते हैं, और ये गरम मसाले हैं सारे। गाइज अगर चिकन और मटन की बात करें, मतलब नॉन वेज फूड की बात करें, तो मसालों से ही उसका टेस्ट बनता है। अगर मसालों से आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया तो आप ये समझ लो कि आप फेल हो, आपका जो खाना है इतना अच्छा नहीं बनेगा, इतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। दूसरी चीज़ ये गाइस कि मैंने इनसे बात करी थी, उन्होंने पहले ही बात करी थी इनके शेफ़ के बारे में, इनके कुक के बारे में, तो इन्होंने बताया था हमारा जो कुक है 5-स्टार होटल में काम कर चुका है, मतलब होटल मैनेजमेंट किया हुआ है बंदे ने, और पहले भी टेस्ट अच्छा था जब हमने पहले ट्राई किया था, आज भी वही चीज़ मेंटेन्ड है। तो ये फ़र्क पड़ता है गाइस एक प्रोफेशनल से ये सब चीज़ें बनवाने का। अभी गाइस ये तंदूर का आइटम देखो तैयार हो रहा है। आप देखो इसमें लेग और चेस्ट है सिर्फ, क्योंकि ज़्यादा तंदूर में यही यूज़ होता है, लेग्स एंड चेस्ट।
लेग्स एंड चेस्ट, ये मसालों में मैरिनेट करके आधे घंटे, इन्होंने बोला कि आधे घंटे के लिए मैरिनेट करके रखा जाता है, उसके बाद ये तंदूर में डाला जाएगा। और ये सारा नेचुरल कलर है गाइज मसालों का, अलग से कोई मसाले, अलग से कोई कलर नहीं डाला गया है। सो गाइज जब तक हमारे डिशेस तैयार हो रही हैं ना, मैं आपको इनके मेनूज दिखा देता हूँ। ये देखो, मटन और चिकन लवर्स के लिए ऑलमोस्ट यहाँ पे सारे डिशेस हैं, सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और जो वेजिटेरियंस हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉन वेज वाले ही यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ वेजिटेरियंस भी आ सकते हैं। वेज के भी ऑलमोस्ट यहाँ पे 10-12 आइटम दिख रहे हैं मुझे तो, और रेट्स भी रिजनेबल है। शाही पनीर 240, ओके 230 मटर पनीर, ठीक है। एज़ कम्पेयर टू अदर रेस्टोरेंट्स आई कैन सी लाइक रेट इज़ वेरी रिजनेबल, इवन लाइक वेजिटेरियंस कैन कम एंड अफोर्ड। और मैं तो गाइस सजेस्ट करूँगा एक बार ज़रूर आके यहाँ पे चेक करें, या फिर स्विगी या जोमेटो से भी आप ऑर्डर कर सकते हो। A few moments later. So guys, अभी देखो मटन कबाब रेडी हो गया था, तो हमने भी मटन कबाब लिया है। देखो चेक करते हैं इसको, ये देखो पीस देखो मस्त एकदम। मटन कबाब और चिकन कबाब में ना डिफरेंस अगर देखना है तो उनके कलर से पता चल जाता है। मटन कबाब का कलर थोड़ा ना थोड़ा सा डार्क रेड हो जाता है, पीसेस काफ़ी सॉफ्ट हैं। और इसके साथ आप इनकी गार्निशिंग देखो, साथ में प्याज है ना, और हरा धनिया, और फ्लेवर भी काफ़ी अच्छा आ रहा है। देखो लाइट भी जल गई इनकी, देखो मुझे तो इनका जो नाम है ना, जो इन्होंने जो फॉन्ट यूज़ किया, जो स्टाइल यूज़ किया ना, ये बड़ा प्यारा लगता है। शिकार ना जो लिखा हुआ है, ये देखो यार, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। बस ये है कि बस खाना शुरू कर दो। चलो अभी हम फिनिश करते हैं अपना ये कबाब, उसके बाद अभी तंदूरी ऑर्डर करेंगे ना। हाँ हाँ ठीक है, सही है। अभी मैंने टेस्ट किया सर, बढ़िया है, एकदम फर्स्ट क्लास, सही है, नाम के हिसाब से ठीक है, सही है ना एकदम। सो गाइस कबाब खाने के बाद अभी हमने ऑर्डर किया ये मटन का एक छोटा सा आइटम है, मतलब कम ग्रेवी वाला, चेक करते हैं। तो सर क्या मंगवा दिया आपने, आप खुद बताओ देख के। ये तो बड़ा मतलब खतरनाक, ये भाई मटन ही है, देखो आप पीस कितने बड़े हैं, पीस देखो मस्त। ये तो मतलब एक आदमी एक पीस खा के तर हो जाएगा एकदम, है ना, जो कहते हैं ना देसी भाषा में, तर हो जाएगा, तर हो गया आदमी, संतुष्ट हो जाएगा। हाँ गाइज ये है मटन, है ना, ग्रेवी का आइटम है मटन ग्रेवी। अब इसका कलर देखो यार, कलर देखो, ग्रेवी खा के ही आप ना संतुष्ट हो जाओगे। बाकी इसके पीसेस देखो, ये चाप है ना, अब चाप ये सर डबल पीस वाले, डबल पीस डबल वाले। अभी क्या होता है नॉर्मल जगह खाते हैं ना, तो चाप बोल तो देते हैं हम लोग, सिंगल पीस वो सिंगल पीस वाला करके दे देंगे, हड्डी हड्डी होता है उसमें, कुछ होता नहीं, मांस तो कुछ नहीं होता है, डबल पीस चाप है। तो गाइस टेस्ट करके देखो यार, ये एक सेकंड। सो गाइस ये है तंदूरी रोटी, और इसमें हमने ना बटर नहीं लगवाया, हमने देसी घी लगवाया। स्मेल इतनी बढ़िया आ रही है देसी घी की, गजब की। थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस है ना हम लोग, तो बटर अवॉइड ही करते हैं। बाकी टेस्ट करो सतेंद्र भाई, टेस्ट करके बताओ। ये तो मैंने बिना रोटी के अभी खाया है। हाँ टेस्ट इतना ज़बरदस्त, कहने का मतलब कि सिंपल जो बोलते हैं ना, जो हम को चाहिए देसी भाषा में, देसी भाषा में जो हम खाते हैं गांव में, घर में जो खाते हैं, स्पाइसनेस अप लेवल, टेस्ट, नमक, मतलब कुछ जरूरत नहीं है ऊपर से डालने की। अब एक बाइट रोटी से लेते हैं ग्रेवी में करके, कुल मिला के मतलब देसी फ्लेवर एकदम एकदम मतलब? एक बार मतलब कोई खा ले ना, दोबारा तो यही आएगा, मतलब वो पैसा वैसा नहीं देखेगा, उसको आना ही यहीं पे है, उसको टेस्ट चाहिए ना, उसको टेस्ट चाहिए। हाँ और गाइस टेस्ट तो अपनी जगह है, लेकिन हम ना मतलब इनका कहना है कि हम क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं,
रीजन बीइंग कि कहावत है जान है तो जहान है, थोड़ा खाओ अच्छा खाओ। तो गाइस ये खाना ऐसा है कि हम थोड़ा खाएंगे लेकिन अच्छा खाएंगे ना तो स्वस्थ रहेंगे हमेशा। तो आप लोग भी जैसे घर पे बनाते हो या फिर बाहर भी खाते हो ना, तो ऑथेंटिक खाना खाओ, देसी शुद्ध मसालों वाला खाना खाओ। सो गाइस ये देखो। अच्छा सर ये बड़ा गलत बात है यार, आपने अपने लिए स्पेशल मंगवाया क्या ये नल्ली है? नहीं एक्चुअली नल्ली होता है इसमें। अच्छा अच्छा नहीं एक्चुअली क्या होता है, मैंने चाप चाप बोला था ना। हाँ। अब मैं भूल गया था कि आपको नल्ली पसंद है। हाँ, तो वो नल्ली यार बहुत बड़ा पीस है, तो मैंने इसलिए अलग से बोला कि भाई नल्ली का एक पीस ले आना क्योंकि नल्ली मेरा फेवरेट है। देखो गाइस और ये पूरा भरा हुआ मस्त, यहाँ से खींचने वाला ना, जो जो मटन खाते हैं ना उन्हें पता है। बाकी ये पीस देखो इतना सॉफ्ट, प्लस टेस्ट मसाले ऑथेंटिक, मतलब पूरा नेचुरल ऑथेंटिक और देसी स्टाइल है। मैं आपको ना बोल के एक्सप्लेन नहीं कर सकता, आप जब खा के देखोगे ना फिर देखना। कुछ नहीं करना आपने, सिर्फ आपने गूगल में सर्च करना है शिकार, बस जोमेटो और स्विगी पे है ये, ऑटोमेटिक आ जाएगा। आप चाहे जोमेटो स्विगी से ऑर्डर कर सकते हो या डायरेक्ट भी ऑर्डर कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इनका नंबर डायरेक्ट। डायरेक्ट करोगे तो थोड़ा सा आप सेव कर सकते हो, उसमें आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा और ऑन टाइम डिलीवरी भी हो जाएगी। कूपन कोड के लिए गाइज स्क्रीनशॉट बहुत है, अगर आप मेरा इस वीडियो का ना स्क्रीनशॉट भी आप उनको दिखा देते हो या व्हाट्सअप कर देते हो ना तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 10-20% डिपेंडिंग ऑन क्वांटिटी, आप कितना ऑर्डर कर रहे हो ना 10-20% मिनिमम आपको डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा। चलो फिर बाकी हम इन्जॉय करते हैं आज का संडे अपना, उसके बाद फिर मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। सो गाइस आज का डिनर तो मस्त हो गया है, अभी हम निकल रहे हैं घर के लिए द्वारका एक्सप्रेसवे से होते हुए। चलो फिर घर पहुंचते हैं और मिलते हैं थोड़ी देर बाद। A few minutes later. So guys, finally घर पहुंच गया मैं और काफ़ी अच्छी इवनिंग रही आज हमारी, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद, क्योंकि श्राद्ध और नवरात्रों के बाद काफ़ी टाइम बाद नॉनवेज खाने का मौका मिला, और मौका भी ऐसी जगह मिला मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट, जहां पे मतलब ये कह सकता हूं कि क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता है। इनके जो मटन और चिकन आते हैं वो रॉयल वालों से आते हैं, जो आई थिंक सेक्टर 10 में है, रॉयल चिकन मटन फ्रेश होता है बिल्कुल, डेली आते हैं तो मतलब डेली बेसिस पे फ्रेश माल उठाते हैं लोग और शाम तक इनका ख़त्म हो जाता है, नेक्स्ट डे के लिए कुछ बचता नहीं है ना बचाते हैं ये, और क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। रेट भी ठीक है, बहुत ज़्यादा महंगे नहीं हैं और हर कोई अफोर्ड कर सकता है। दोनों ऑप्शन हैं, चिकन के ऑप्शन हैं और मटन के ऑप्शन हैं, जो भी चीज़ आपको चाहिए सारी डिशेस अवेलेबल है। हाँ एक चीज़ जो मैं इनको सजेस्ट करके आया हूँ, मटन बर्रा, वो भी काफ़ी फेमस है, हमने खाया है पहाड़गंज में, विनोद है, विनोद बर्रा के नाम से उनका, उसका किसी से कंपटीशन नहीं है अभी तक, मतलब सबसे बेस्ट है। तो मैंने सजेस्ट किया है इनको कि अगर वो ये लोग रखना स्टार्ट कर देंगे तो ज़्यादा बेटर है, एक आइटम और ऐड हो जाएगा इनके मेनू में। बाकी जैसा कि मैंने बताया है कि अगर आप चिकन मटन लवर हैं, नॉन वेजिटेरियन हैं, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में इनका एड्रेस, फ़ोन नंबर वगैरह डाल दूंगा, बाकी कुछ करना नहीं है, आपको 10-20% डिस्काउंट भी मिल जाएगा, सिर्फ आप ये वीडियो अगर आप देख रहे हो तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर उनको दिखा देना। तो गाइस यही था आज फिलहाल, खाना वाना तो खाना नहीं है, पेट भर गया है, अभी करेंगे हमें एडिटिंग अपनी, उसके बाद सो जाएंगे, और ये वीडियो ज़रूर देखना आप, कल मैं पब्लिश करूँगा इसको, और बाकी शेयर करना अपने यार दोस्तों से भी शेयर करना ताकि उन्हें भी फ़ायदा मिले इस चीज़ का। और चलो फिर मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में, और कोशिश करेंगे कि आने वाले ब्लॉग्स इस टाइप्स के भी हों, जो फूड लवर्स हैं, जो खाने पीने के शौकीन हैं, वो भी अपना एंजॉय करें, खाएं पिए। और गाइस जैसा कि आपको पता है घर में थोड़ा सा काम चल रहा है,
और मंदिर वाला रूम हमारा लास्ट टाइम मैंने पेंट नहीं करवाया था, अभी दिवाली आ रही है तो मैंने सोचा चलो करवा लेते हैं, तो वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। एक कोट और होना है, वो कल होगा, तो मैं अभी नहीं दिखाऊंगा, वो मैं फिर कल के ब्लॉग में दिखाऊंगा कैसा लग रहा है, फिर आप लोग बताना कि ये कलर कैसा है। बाकी वॉलपेपर मैंने आपको दिखाई दिया था, तो ऐसा और कुछ खास नहीं है, बस खास स्पेशल ब्लॉग था ये सिर्फ इसीलिए क्योंकि हमें आज जाना था शिकार रेस्टोरेंट जो कि मेरे जान पहचान में है, तो मैंने कहा चलो फिर इनके लिए ब्लॉग करते हैं और शेयर करते हैं अपने यार दोस्तों से, जिससे कि वो लोग भी फ़ायदा उठाएं, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ कहते हैं ना, हेल्थ इज़ वेल्थ। हम लोग न जाने पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या खाते हैं, हमें पता नहीं है कि क्या बनाया जा रहा है, क्या उसमें मिलाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर मैंने गाइस सामने देखा है जो मसाले हैं ना, बिल्कुल बढ़िया मसाले, अच्छी क्वालिटी के, अच्छी कंपनी के मसाले यूज़ कर रहे हैं। तेल जो है कोलू बैल का, जो कच्ची घानी सरसों का तेल होता है वो यूज़ किया जाता है। और गाइस सैलेड, इनका सैलेड जो होता है ना वो भी बहुत बढ़िया है, और आप ट्राई करना, आप खुद ट्राई करना, पता चल जाएगा। हाँ बेटा आप कुछ कह रहे थे? हाँ वो कल ब्लॉग में आएगा ना, वही तो मैं बता रहा हूँ। और अभी बच्चों के लिए भी मैंने कुछ ऑर्डर किया है, अभी बच्चों के लिए घर पे आ रहा है, वो खाएंगे बच्चे, बताएंगे कैसा बना है, क्योंकि मैं तो वहाँ खा के आ गया था, तो मैंने सोचा चलो बच्चों के लिए भी ऑर्डर कर देते हैं। चलो ठीक है गाइस, आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म कर रहे हैं, मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय।